गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी विभा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत मस्त होंगी। चलिए आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक ब्राइड के किट में क्या क्या होना चाहिए जो भी वो अपना मेकअप किट ले जा रहे हैं। तो मैं जितना अपने आप से हो सकता था उतना कोशिश की हूँ आपको दिखाने की। तो ये एक बेसिक नीड होती है और इतनी चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं। बेशक आप इनको कम से कम में कोशिश करो करने की, पर इतनी चीज़ें आप लेते ही हो एक मेकअप किट रेडी जो करते हो डे वाइज नाइट वाइज है जो भी जैसे भी करते हो, तो उनमें ये इतनी चीज़ें बेसिक होती हैं, ज़रूरी होती हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ब्राइड की बात करें तो उनको एक बहुत अच्छा सा फेस पे लगाने के लिए बहुत अच्छा, भी जो विंटर्स में खास करके हैं सेम ही चीज़ें चाहिए होती है, विंटर और उसके हिसाब से थोड़ी सी अलग हो जाती है बस। तो ब्राइड के हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी के लिए भी, ब्राइड के लिए तो खास करके ज़रूरी होता है फेस वॉश। और उन्हें DIY करने का इतना टाइम नहीं मिलता है क्योंकि वो खुद ही नए घर में गई रहती हैं, शिफ्ट होती हैं, और फिर वो चीज़ें कहाँ रखी हैं क्या है वो थोड़ा सा शुरू में झिझक होती है। तो मिरर था, मैंने सोचा क्या चमक रहा है। तो ये सबसे पहले मैंने मामा अर्थ का राइस फेस वॉश है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर न्यूली ब्राइड हैं, मतलब शादी हो रही है, आपको मेकअप किट रेडी करना है, तो उसमें ये फेस वॉश आप इंक्लूड कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। रीज़न कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है ये उनको रिमूव कर देता है। ये भी मत सोचना कि आप सेंसिटिव है या ड्राई स्किन है तो उनके लिए ख़राब है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि आप लोग जानते हो मेरा वीडियो देखते हो रेगुलर, आपको पता है कि मेरी स्किन सुपर वाली ड्राई है। तो मैं एक ये फेस वॉश बोलूँगी सबसे पहले, ये आपके जो भी ऑयल होगा उनको ख़त्म करेगा और जो भी आपको फटाफट से ना स्किन क्लीन क्लीन लगेगी इसके बाद। एंड फर्स्ट इसके बाद मैं बारी आती है टोनर की। तो टोनर सबसे पहले मैं बताऊंगी, आपको जो भी चाहिए आप अपने फेस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। बट अगर राइस का प्रोडक्ट सबके लिए बहुत अच्छा होता है, राइस का ये ब्राइटनिंग टोनर है, गुड वाइब्स का राइस ब्राइटनिंग टोनर है जो कि आपके फेस को थोड़ा ब्राइट करता है और स्किन को थोड़ा सा मिनिमाइज, जो ओपन पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज करता है, मेकअप के लिए रेडी कर देता है क्योंकि ब्राइड्स हैं तो नेचुरल मेकअप तो करेंगे ही डेली। तो सेकंड है ये टोनर। एंड इसके बाद बारी आती है आप क्या करते हो, कौन सी क्रीम लेना है, कैसे लेना है। तो मेरे पास लैक्मे का 9 to 5 का विटामिन सी करके डे क्रीम है। मैंने इसका किट तीनों लिया था, डे क्रीम, नाइट क्रीम और सीरम का। तो ये अगर एक ब्राइड है और वो सोच रहे हैं तो उनके लिए ये एक बेस्ट रहेगा कि तीनों ही ले लें। और उसके बाद सबसे पहले बता दूं ये, फिर उसके बाद ये रहेगा मॉर्निंग में आपको जब टोनर यूज़ कर लिया तो उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लो। जब अच्छा सा CTM रूटीन कर लोगे तो मेकअप कैसा भी करोगे तो वाइटनेस नहीं लगेगी, ड्राइनेस नहीं लगेगी, पैची सा नहीं लगेगा, ब्लैक नहीं होगा मेकअप आपका। तो ये मॉइस्चराइजर आप ज़रूर रखना अपने किट में। एंड इसके बाद बारी आती है, इसको वैसे डे के हिसाब से दिया हुआ है बट फिर भी मैं यही कहूंगी आप एक सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना। तो जो भी सनस्क्रीन आपके पास हो या आपके फेस को सूट करता हो, डॉक्टर से डर्मेटोलॉजिस्ट से आपने लिया हो तो जो आपको सूट करता हो वो लेना। मैं एक सनस्क्रीन बता रही हूँ, मेरे पास ये मामा अर्थ की है और कैसी भी स्किन है आपको सूट करनी ही करनी है। ये एक सनस्क्रीन हो गई। एंड इसके बाद बारी आती है एक कोई सीरम या फेशियल ऑयल आप जो भी चाहो ले सकते हो, मैं आपको ये दोनों ही रिकमेंड कर दूंगी। ये विटामिन सी है क्योंकि ब्राइड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, हर किसी के लिए, पर ब्राइड के लिए ज़रूरी इसलिए होता है कि वो इतनी भाग दौड़ में इतना इधर उधर कर चुके होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि ब्राइड्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए होता है। और जो बहुत ज़्यादा स्किन एकदम डल सी हो जाती है, पिगमेंटेड सी लगने लगती है, वो सिर्फ टैनिंग वैनिंग होती है। तो विटामिन सी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ब्राइड, ये पहले भी यूज़ करो और बाद में भी, ये किट में ज़रूर रखना आप अपने लिए। एंड अब इन सब के बाद बारी आती है मेकअप की। और मेकअप से पहले सॉरी एक चीज़ और रह गई, लिप बाम। ये मेरा वादी हर्बल का एक, आपको जो भी चाहिए आप एक लिप बाम ज़रूर रखो, लगाते रहो क्योंकि ना लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं और इतना मेकअप वेकअप लगता है ना, लिपस्टिक परत परत परत, और न्यूली मैरिड हो यार तो ज़रूरी, रात में सोते समय तो ज़रूर लगाना, दिन में लगाना मत लगाना। एंड इसके बाद बारी आती है मेकअप की। तो मेकअप के लिए आप एक प्राइमर रख सकते हो, प्राइमर आप जैसा भी चाहो। मेरे पास तो ये शुगर का है, मैंने इसको इसलिए लिया, आपको पता ही है कि ये स्टिक वाला है तो मुझे रखने में बहुत अच्छा रहता है। एक ये है, उसके बाद आपको प्राइमर लगा लिया आपने, तो प्राइमर के बाद आपको एक फाउंडेशन की बारी आती है। फाउंडेशन मैंने शुगर का रखा है, ये भी वही है सॉरी स्टिक वाला, क्योंकि स्टिक फाउंडेशन वगैरह कैरी करने में बहुत आराम रहता है। और ये मेरे बच्चों ने सारा तोड़ताड़ रखा मेरा, ठीक है। एंड इसके बाद बारी आती है, जब आपने फाउंडेशन लगा दिया तो बारी आती है मेरे कंसीलर की। वेयर इज माई कंसीलर, मैंने रखा तो यही। जब देखो आप जब मेकअप करते हो ना तो आप मेकअप बहुत अच्छे से किया करो, हड़बड़ा के
ऐसे कह रही मेरा ये नहीं मिल रहा, मेरा वो नहीं मिल रहा, सब कुछ एक साथ जब आप किट रेडी कर रहे हो तभी रख लो। तो ये मेरा स्विस ब्यूटी का है, आपको जो भी आपके फेस के लिए लगता हो अच्छा हो, मैक का हो, नार्स का हो, बॉबी ब्राउन हो, क्योंकि शादी में लोग अच्छी ही ब्रांड लेने की कोशिश करते हैं। ये बजट फ्रेंडली मैंने बनाया है। ये एक कंसीलर हो गया। अच्छा, मेकअप शुरू करने से पहले मैं आपको बताना भूल गई, अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन वगैरह है या डार्क सर्कल है तो एक कोई छोटा सा ना कलर करेक्टर रखा करो। ये मेरे पास नायका का है, ये ऑरेंज कलर का है, आप एले गर्ल का ले सकते हो, जो भी चाहो एक ये भी रख सकते हो। ये भी मेकअप किट में ज़रूर रखना, क्योंकि यार ये एरिया ये सब ना थोड़ा सा डार्क होता है। एंड इसके बाद फाउंडेशन और प्राइमर के बाद कंसीलर के बाद हमारी बारी आती है फेस पे पाउडर की। तो पाउडर मैं बताऊं, सच बताऊं तो मैं बजट में रहते हुए ये फिटमी का है, ये भी बहुत अच्छा है। मुझे इसका स्पॉन्ज मैंने हटा दिया है, गायब हो गया मुझे नहीं पता। एक फिटमी का ये मैंने कॉम्पैक्ट रखा हुआ है। कॉम्पैक्ट अगर विंटर है तो थोड़ा कम यूज़ करना, क्योंकि फिर वो वाइटनेस टाइप का लगेगा, फेस अजीब सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा बल्कि गंदा लगेगा। एंड इसके बाद जब आपने ये लगा लिया तो आईज़ के नीचे जब भी आईज़ का एरिया, जो एरिया आपको हाईलाइट करना हो, वहाँ पे एक लूज पाउडर जरूर रखा करो, वाइट पाउडर या बनाना पाउडर। वैसे मैं वाइट पाउडर रखती हूँ, मैं खोलूँगी तो पूरा उड़ेगा। ये शुगर का है मेरे पास, जो भी लूज पाउडर आप रखना चाहते हो थोड़ा सा रखना, क्योंकि रीज़न कि कुछ एरिया जब आप आईज़ पे हल्का भी मेकअप अगर आप कुछ भी लगाते हो वो गिर जाता है, तो फिर वो हटता नहीं, रिमूव भी नहीं होता और अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक है, तो आप एक लूज पाउडर जरूर रखना है, ये शुगर का है। और नहीं रख रहे हो तो जो आप कॉम्पैक्ट लगा रहे हो उसी को स्पॉन्ज से या ब्रश से अच्छे से ऐसे से लगा के फिर उसके बाद आईज का मेकअप करना, और जो एरिया थोड़ा सा कट क्रीज टाइप से लानी है वहाँ पे यूज कर लेना। ठीक है, अब ये लूज पाउडर के बाद बारी आती है, आपको कॉन्टोर चाहिए और ब्लश चाहिए और हाइलाइटर चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है शुगर का 3-in-1 का पैलेट। इसमें तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। अब मैं कैसे दिखाऊँ, पूरा मिरर है यार। तो ये तीनों ही चीज़ें इसमें हैं, ऊपर से लिपस्टिक भी लग गई, ओ माय गॉड। तो इसमें ये 3-in-1 का शुगर का बड़ा प्यारा सा एक पैलेट है, इसमें आपको ब्लश भी मिल जाएगा, कॉन्टोर भी मिल जाएगा, हाइलाइटर भी मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है, और बहुत इसका ब्लश भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये ले लेना। और आप एक आई शेडो पैलेट चाहते हो तो कोई भी ले सकते हो, मैंने जस्ट नायका का भी यूज़ किया था, मेरे पास ये नायका का है। इसमें सारे ही कलर लाइट टू डार्क, अगर आप स्मोकी भी करना चाहते हो तो वो भी है, और अगर नेचुरल चाहते हो तो ये नेचुरल कलर्स भी हैं, ग्लिटर चाहते हो तो ग्लिटर भी है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइट ग्लिटर तो देखो ब्राइड हो तो थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा। एंड इसके बाद बारी आती है, अब एक और प्यारा सा आपको एक बात बताऊं, जब आप तैयार होते हो ना तो आप तैयार होने में बेसिक चीज़ें थोड़ी कम लगाओ या कम कैसे भी करो, बट उनको सेट होने दो यार। ये थोड़ी सी गलती हो जाती है, बट आप थोड़ा सा टाइम देकर मेकअप करना, क्योंकि देखो ब्राइड्स को वैसे भी कोई परेशान करता नहीं है, आप तैयार हो, आपका जन्म से अधिकार है ब्राइड्स का तैयार होना, तो आप तैयार हो। एंड इसके बाद बारी आती है हमारे पास मस्कारा की, तो मस्कारा मैंने रखा है शुगर का। आप कोई भी मस्कारा एक अपने पास जो भी चाहो, आपको चाहिए अच्छा ले लो, थोड़ा और सस्ते में चाहिए तो वो भी ले सकते हो, बट एक मस्कारा जरूर रखना, क्योंकि लेसेस जब तक सुंदर नहीं लगेंगी आंखें कैसे प्यारी लगेंगी। और इसके बाद बारी आती है, तो मैंने काजल वाइट रखा है, और अगर आप चाहो तो काला वाला भी रख सकते हो, ब्लैक काजल भी रख सकते हो। मैं बहुत कम लगाती हूँ ब्लैक काजल, आपने देखा होगा, और आप दुल्हन हो नई नई प्यारी प्यारी तो आप रखो अच्छा लगेगा। तो एक ये मैंने वाइट काजल रखा है, नहीं तो जो ब्रश से जिससे आईज का मेकअप आप करोगे वही ब्रश नीचे अगर आप हल्का सा कर लोगे तो वैसे भी काजल का प्यारा सा लुक आ जाएगा वो। एंड इसके बाद बारी आती है आईब्रो की। आईब्रोज के लिए आप चाहो तो आप आईब्रो पेंसिल रख सकते हो, या आईब्रो के लिए जो भी चाहिए आप रख लो। मेरे पास ये देखो, इसका ब्रश भी एक तरफ ये, और एक तरफ इसका ये फिल करने के लिए है पेंसिल सी, देख सकते हो ये। बट मैं इसको लगा लेती हूँ, बट थोड़ा सा लॉन्ग स्टे करना है ब्राइड्स का है, तो ये नायका की ब्रो जेल है, ओ माई ब्रो जेल। ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अगर आपने पेंसिल से फिल नहीं भी किया है ना, दिखा दूँ, तो ये ना बिल्कुल नेचुरल वाला फील लाता है। ये देखो, ऐसे मैंने अभी तो आपको पता है मैंने फिल ही कर रखा है, ये बिल्कुल नेचुरल वाला लुक लाता है और बहुत लॉन्ग स्टे करता है, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और अफोर्डेबल है, नायका पे है ही, आपको पता ही है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था पर्सनली अपने लिए। और इसके बाद बारी आती है, आप लिप लाइनर ले लो और लिपस्टिक, मैं तो यही कहूँगी लिपस्टिक तो खूब प्यारी प्यारी लो ही आप, लिपस्टिक रेड वगैरह, बाकी कुछ ऐसा एक ले लो जिसमें सारे कलर्स हों और आप बैग में कैरी कर सको, भाग सको जल्दी जल्दी से, तो मैंने ये भी रखा हुआ है।
एंड इसके बाद बारी आती है अगर हाथ पैर सब कर लिया तो एक फेस पे पूरा मेकअप कर लिया तो एक बॉडी लोशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये है बॉडी लोशन, आप कोई भी एक बॉडी लोशन ले सकते हो। वैसे मैं सच बताऊँ बॉडी लोशन अपनी लगे हैं, मैं एक जो मामा अर्थ का उबटन मॉइस्चराइजर रखती हूँ ना, ये देखो ये भी इसकी भी मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इसको भी लगाएंगे तो खो दिया तो मैं लगाऊंगी, मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप देख सकते हो बहुत एकदम अच्छा सा प्यारा सा मॉइस्चर देता है ये। अच्छा इसके बाद बारी आती है कि आप नाइट में क्या करोगे, और सॉरी लाइनर भी मैं भूल गई यार, हाँ जल्दी जल्दी बना रही हूँ, और एक आई लाइनर भी रख लेना क्योंकि वो भी ज़रूरी है, आके सुंदर सुंदर से दिखानी है आपको, यही तो अधाई दिखाने का यही तो टाइम होता है, बाद में कोई नहीं देखता है, अच्छा सा मेकअप किट रेडी कर लो। एंड इसके बाद एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, इल्यूमिनेटर जब आप फाउंडेशन लगाते हो अगर आपको चाहिए आपका फेस थोड़ा सा शाइन करे ग्लो करे तो एक इल्यूमिनेटर ज़रूर रखना। मेरे पास ये लॉरेल का है, बहुत अच्छा है और फिनिश होने वाला है, आप देखो तो एक फाउंडेशन में थोड़ा सा मिक्स करके लगाना। एंड एक चीज़ और बता दूँ, जब यही मेकअप सारा आप कर लेते हो फिर उसके बाद बारी आती है रात की, तो रात में आप जो भी सीरम वगैरह जो फेस वॉश यूज़ करते हो पहले वो फेस वॉश यूज़ कर लेना, पहले तो पूरा मेकअप जो भी आपने किया है मैसल और वाटर से पूरा मेकअप रिमूव करना, उसके बाद फिर फेस वॉश कर लेना। फेस वॉश के बाद जो भी आपने नाइट क्रीम ली है आप वो नाइट क्रीम लगा लेना, मेरे पास ये नाइट क्रीम है इसलिए आपको दिखा रही हूँ, एक नाइट क्रीम लगा ली आपने। नाइट क्रीम के बाद अगर आप सीरम लगा रहे हो सीरम, या फिर आपने मेकअप वगैरह ज़्यादा कर रखा है फेस आपका ऑयल मांग रहा है, तो फिर आप कोई भी एक फेशियल ऑयल जो भी आपके पास है, मेरे पास ये जस्ट आपका किम्स उपाधि फेशियल ऑयल है, मैं इसको ही दिखा रही हूँ, इसीलिए आपके पास जो है अच्छे से लगा के इसको खूब अच्छे से खूब मसाज करना, तो जो आपको ड्राइनेस से फील आ रही है ना वो ड्राइनेस वाली फील नहीं आएगी और नेक्स्ट डे आपका फेस बिल्कुल मेकअप के लिए रेडी होगा। एंड इसके बाद एक और बारी आती है, आपने ढेर सारी चीज़ें रखी होंगी, सब कुछ रखा होगा, दो चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक मेकअप सेटिंग स्प्रे जरूर रखना, आप बेशक बहुत थोड़ा मेकअप करना पर जरूर ही इसको लगाना, क्योंकि अगर मेकअप सेट नहीं हुआ तो मेकअप इधर उधर डगमग डगमग होगा, ठीक है, और फिर वो किसी का हाथ ऐसा हाथ लगा कोई प्यार कर ले, क्योंकि नई नई दुल्हन को ना बड़ा प्यार आता है सब पे, ठीक है, सब प्यार करते हैं, हाय मेरी बहू है मेरा बच्चा है मेरा बच्चा करते हैं, बाद में बेचक कोई जगह नहीं करते यार, बाद में भी करते हैं ऐसा नहीं। इसके बाद एक प्यारी सी चीज़ आती है, ढेर सारे आप परफ्यूम रखो सब कुछ रखो लेकिन एक ना पॉकेट परफ्यूम जरूर रखा करो, मैं एक दो और थी आई होप मेरी बैग में होगी, मेरी बैग उतनी दूर नहीं मैं आपको दिखा देती, मैं कोशिश करती हूँ जस्ट मैं पार करती रही नाली मेरे पास ना यस मैं कुछ रखूँ ना रखूँ दो तीन चीज़ें मैं ज़रूर रखती हूँ, एक आप कोई भी पॉकेट परफ्यूम रखो, ये देखो मेरे पास जो कि बिल्कुल फिनिश होने को है पॉकेट परफ्यूम, क्योंकि बड़ी वाली परफ्यूम क्या है आपको रखना पड़ता है बहुत स्पेस लेता है, ठीक है ये, और एक मैंने ये छोटी सी ये भी पॉकेट परफ्यूम रखी है, देखो आप दोनों को बताऊँ ये स्प्रे करना है क्योंकि आप नई नई दुल्हन है महकेगी तभी अच्छी लगेगी, ओके। एंड इसका क्या है ये रोल वाला है, इसको कहीं भी खास करके यहाँ कान के पीछे लगा लो, ओके बस ऐसे लगा लो तो थोड़ा थोड़ा सा हमेशा एक फ्रेग्रेंस बनी रहेगी आपके आसपास जो कि बहुत अच्छा लगेगा, ये थोड़ा सा ब्राइड्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी पर ब्राइड्स बेचारी क्या करती बड़े बड़े परफ्यूम ले लेती हूँ, तो मैं तो यही कहूँगी आप कितने भी बड़े लो ढेर सारे ले लो मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट एक छोटा सा कोई ज़रूर रखा करो पॉकेट परफ्यूम, क्योंकि देखो मेरे पास ढेर सारी क्लचेज होती हैं, बैग्स छोटी छोटी सी होती, ज़रूरी नहीं हो सकता बैग बड़ी ना हो या आप कहीं घूमने जा रहे हो आप उसमें भी छोटा सा डाल दो, एक ट्रेवल के लिए तो छोटा सा बहुत अच्छा होता है, चाहे वो रोल ऑन डाल दो या फिर वैसा डाल दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब एक बेसिक नीड थी जो कि एक ब्राइड्स को चाहिए होते हैं, तो मैंने ये सब कुछ एक साथ रखा हुआ है और मैं हो सकेगा तो सबके प्राइस क्या ही मेंशन करूं क्योंकि आप लोग अपने हिसाब से लोगे, लेकिन ये एक ब्राइड्स की किट ब्राइड की किट में ज़रूर होना चाहिए। एक और चीज़ दिखाऊं इसलिए मैंने इसको लगाया भी था, एक इतना इतने बड़े बड़े छोटे छोटे से ना क्लचर या रबर ये भी अपनी किट में ज़रूर रखना जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और छोटी छोटी जो पिंस होती हैं ना मैं कैसे दिखाऊं, ये देखो ऐसे छोटी छोटी प्यारे 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 बॉक्सेस वगैरह हो ना उनमें छोटी छोटी पिन डाल लेना, क्योंकि आपको पता नहीं चलता बट जब हम शादी करके जाते हैं ना बेशक कितना ही ओपन सब हो लेकिन आपको ना ऐसा लगता है कि मैं किससे क्या मांगू, थोड़ा सा रह जाता है यार झिझक सी रहती है,
तो कोशिश करो अपना पूरा मेकअप किट यहाँ से तैयार करके ले जाओ। मुझे ये लगा कि शायद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये बता दिया आप लोगों को। तो चलिए, कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को? आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।